मिला है और अगर मिलता भी तो वो लेने से डरते. तो आई एम वेरी एक्साइटेड. फॉलो मी. लेट्स गो. फिल्मों का हिट होना ना होना ये तो ऑडियंस के हाथ में होता है, मगर फैमिली का हिट होना आपके और सिर्फ आपके हाथ में है. वही फैमिली हमेशा खुश रह सकती है जिसका हेड हमेशा खुश हो. और फैमिली के हेड को खुश रखने का काम एक ही इंसान का है, यानी कि पति देव का. क्योंकि दुनिया का बहुत पुराना फॉर्मूला यही है, हैप्पी वाइफ इक्वल्स टू हैप्पी लाइफ. इसीलिए हमने एक ऐसा अवार्ड इंस्टीट्यूट किया है जो उस हस्बैंड को दिया जाएगा जिसने अपनी स्टेटस और अपनी इमेज की परवाह ना करते हुए अपनी बीवी को परमेश्वरी माना है. ये है जोरू का गुलाम अवार्ड और ये है इसके नॉमिनीज. एंड द नॉमिनीज आर अभिषेक बच्चन फॉर ऐश्वर्या, अनिल अंबानी फॉर टीना, ऋतिक रोशन फॉर सुजैन, सचिन तेंदुलकर फॉर अंजलि, अक्षय कुमार for Twinkle. और जोरू का गुलाम अवार्ड जाता है. द जोरू का गुलाम अवार्ड गोज टू. ओ माय गॉड, व्हाट अ सरप्राइज. विनर तो वो है जो नॉमिनीज में ही नहीं थे. Please welcome the one and only my best friend Shahrukh Khan. जिनको अवार्ड नहीं मिला वो लोग निराश मत होइए. प्लीज ट्राई अगेन नेक्स्ट ईयर. मे बी यू ऑल विल विन नेक्स्ट ईयर. Do you have a acceptance speech? हाँ, ये जो अवार्ड है मैं अभी 40 साल से ऊपर हो चुका हूँ, 44 का होने वाला. शाहरुख, I am little older than you, so try not to give your age. तुम तो 18 की लग रही हो. Thanks. Post plastic surgery बहुत सुंदर हो गई है. पर थोड़ा सा liposuction कराएंगे तो फिर उसके बाद अगली फिल्म में दीपिका पादुकोण नहीं फारा होंगी मेरे साथ. बिल्कुल. और पहले तो मैं शुक्रिया गुजार हूँ आप लोगों का कि तेरे मेरे बीच में और स्टार का और न्यूट्रोजीना का कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि अवार्ड मुझे दिया जाए. और मैं जैसा कह रहा था कि मेरी बहुत हसरत थी 40 साल से कि मैं मुझे जोरू का गुलाम अवार्ड मिले. आई वॉन्ट टू थैंक गॉड, आई वॉन्ट टू थैंक माई मदर, क्योंकि मेरी मम्मा ने ही ये सिलसिला शुरू किया था. मम्मा ने? मेरी मदर ने. हाँ, बचपन से सिखाया था कि तुम जो ऐसे. नहीं, सिखाया नहीं था, मुझे दिखाया था. अच्छा. हर संडे को वो मेरे पिता मेरे अब्बा जान को मारती थी. व्हाट राइट. और उनकी जो ये सीख थी मेरे दिल में बस गई और मैं चाह रहा था कि मैं भी बड़ा होके अपने पिता की तरह जोरू का गुलाम बनूं और आज मेरी ये हसरत पूरी हो गई. थैंक यू वेरी मच. आई लव यू मॉम, आई लव यू डैड. वाइफ को तो थैंक नहीं किया. वाइफ तो उनको मैं थैंक पब्लिकली कभी नहीं करता हूँ. सुबह उठ के उनके चरण जो है पानी से धोकर पी लेता हूँ. बाकी नॉमिनीज को कुछ कहना है? मैं इन चारों पांचों नौजवान लड़कों को कहना चाहता हूँ कि और मेहनत करो और कोशिश करो कि बीवी के गुलाम बन सको. और मैं उनको ये भी क्लियर करना चाहता हूँ, जस्ट बिकॉज ये फारा का शो है, ये स्टार टेलीविजन के ऊपर है, इसलिए ये अवार्ड फिक्स नहीं है. ये मेरा हक है और मैंने हक से जीता है. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. शाहरुख, मोबाइल विथ यू? एक्चुअली इस वक्त मेरे पास जेब में नहीं है. हाँ, थैंक गॉड, क्योंकि वरना मुझे लेना पड़ता, क्योंकि यू नो कि 10 बार गौरी फोन करेगी और शॉर्ट हो और यू हैविंग अ बात या कुछ भी, यू हैव टू टेक गौरी फोन. ये मेरी एक सबको सलाह भी है, हर मर्द को, कि प्लीज जब भी बीवी करे फोन तो उसको जल्दी से उठा लें और उस पर झूठ भी बोलना है तो बोल दें. मतलब कैसा भी, जैसा भी. अब तुम कह रहे हो कि बाथरूम में भी फोन आता है, बाथरूम में किसके साथ बात ले रहे हो बताने की जरूरत नहीं. एज लॉन्ग एज आप फोन पे बात कर लें और कहें कि यस डार्लिंग आई लव यू टू, या दिस इज ओके, या और अगर आप फोन नहीं उठाएंगे
तो बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ेगा बीवी के फोन का, बाकी कोई फोन नहीं। तुमने फोन नहीं उठाया है? और मेरे पास क्या है कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तुम हो या मेरे अपने साथ में जो लोग काम करते हैं, सबके नंबर्स मेरी बीवी के पास हैं, तो मैं कभी भी उसका फोन अवॉइड नहीं कर सकता। एंड अनलाइक अदर पीपल, आपके पास दूसरा कोई नंबर नहीं है? अगर होगा भी तो मैं शो पे नहीं बताऊंगा। अच्छा, ऑब्वियसली। व्हाट डू यू थिंक? बोल दूंगा कि हाँ, मेरे पास एक दूसरा है 9870555532। नो, 98, वो जो आमिर के यहाँ चेस्ट पे लिखा था ना, वो मेरा नंबर है एक्चुअली। तो शाहरुख, वेलकम टू न्यूट्रोजेना प्रेजेंट, तेरे मेरे बीच में, जहाँ हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जनरेशन ऑफ मेन की जिन्हें बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होती ये कहने में कि वो हर वो बात मानते हैं जो उनकी बीवी उनसे कहती है, जिसे हम जोरो का गुलाम कहते हैं, बट गुलामी में भी वो राज कर रहे हैं। मुझको जेन्युइनली ऐसा लगता है कि भगवान है, अल्लाह है, खुदा है, गॉड है, और उसके बाद अगर कोई भी चीज है तो वो औरत है। वो माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बीवी के रूप में हो, दोस्त के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, डायरेक्टर के रूप में हो, असिस्टेंट के रूप में हो, व्हाटएवर। आई ट्रूली एंड एब्सोल्युटली लव वुमेन, ये मेरी गारंटी है। इसके आज का जो शूट है, आई वांट टू टेल यू, ये भी गौरी की बदौलत आज हो रहा है, क्योंकि शाहरुख ने कल की डेट दी थी, गौरी ने फोन करके कल की डेट कैंसिल करके आज की डेट दी, एंड यू डिडंट इवन नो अबाउट इट। सी, ये छोटी सी बात है, इससे कोई बमाल नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई, तकलीफ मैं कल आ जाता है या परसों आ जाता है। बट गौरी ने तुमसे पूछा नहीं कि आज तुम फ्री हो के नहीं। चीज़ तो कितनी खुश है कि देखो मैं अपने हस्बैंड को कितना कंट्रोल करती हूँ, जहां तक मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं वो काम कर लेता हूँ। मैं बहुत ही चालू और श्रूड और घटिया किस्म का मर्द। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये ही इज ट्राइंग टू कवर अप। मैंने शायद ही किसी मर्द को अपनी मैरिज में इतना गिविंग होते हुए देखा है। जेन्युइनली मुझको ऐसा लगता है कि अगर मैं जो गौरी कहती है वो करूं, और असल में ये टू वे स्ट्रीट है रिश्तों में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में, वॉट एवर काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू हैव, हस्बैंड वाइफ के अंदर थोड़ा सा गिव एंड टेक अगर रहे तो ये सब बातें ऐसी क्लियर और समझ में आती हैं। जब मैं मुंबई पहले शुरू में आया था तो हीरो की बीवी होना, सबको ये ऐसा लगता है कि उनके अफेयर्स होते हैं, बहुत इनसिक्योरिटी होती है किसी भी वाइफ को, तो उसने बहुत क्लियरली अपनी लाइफ को ऐसा मोल्ड किया कि अगर बार बार मुझसे वो पूछती रहती कि भैया आप जो हैं इस हीरोइन से क्या, शी रियलाइज्ड कि ये सब नहीं है, सो शी स्टॉप्ड आस्किंग मी दिस क्वेश्चंस। हमारी रिलेशनशिप बड़ी क्लीन सी हो गई उस मामले में, और जब वो मुझको इतनी फ्रीडम देती है, सो ये मेरी ड्यूटी नहीं बनती, आई थिंक इट्स माई धर्म कि मैं भी वही करूं कि जो उसको अच्छा लगता है। मैं कभी भी शूटिंग से वापस नहीं आया 3 बजे रात को, मैं थका हुआ हूं, मैं मुंह हाथ धो के नहा धो के तैयार होके, कभी भी मैंने घर में आज के ये नहीं बोला मैं बहुत थक गया हूं, बिकॉज मैं जितना भी थका हूं मैं अपने काम में थका हूं, घर टाइम इज फॉर माई वाइफ एंड फॉर माई चिल्ड्रन, आई कैन नॉट बी रॉन्ग। ये बोलकर मतलब आई थिंक ऑल द गर्ल्स वॉन्ट अ हस्बैंड लाइक यू, इज दैट राइट? I also would like to tell you, my wife is so understanding. All of you girls can marry me. ऐसा कोई problem नहीं है। हमारा बड़ा अच्छा सा relationship है। मैं गौरी को समझा दूंगा। ये काम के वक्त हुआ। घर के वक्त तो उसी के साथ हूँ। वो उनको तो तुम ही चाहिए I think. Definitely, हाँ। He's my son. Son? आपको जो भी excuse में मुझे घर ले जाना है, ले जाओ, उसके बाद adjust कर लेंगे हम लोग। कोई problem नहीं। आप अपने मनपसंद stars की पसंदीदा जानकारी पा सकते हैं। बस अपने एसएल पर एसएमएस कीजिए टीएमबीएम और भेज दीजिए 58000 पर, और जानिए क्या है इनका फेवरेट फूड, सनशाइन, लेटेस्ट मूवीज और बहुत कुछ। अब वक्त है एक न्यूट्रोजेना डीप क्लीन ब्रेक। और हमको मालूम ये पड़ा कि जैसे ही मदर इन लॉ 3 दिन के बाद गई थी, तो गौरी ने हमारे घर में जो मेड थी उस वक्त उनको एनरोल करा दिया था, और वो कभी कुकिंग क्लास गई नहीं। एनी मैन हु इज कंफर्टेबल लेटिंग हिज वाइफ बी इज द रियल मैन। Any man who's uncomfortable letting his girlfriend or wife be is an absolutely insecure, wimp and foolish. Us waqt main Shahrukh Khan tha. Aaj ye Shahrukh Khan hai. वेलकम बैक टू न्यूट्रोजेना प्रेजेंट्स, तेरे मेरे बीच में कोई नहीं है, क्योंकि एक साइड में मैं हूँ और दूसरी साइड में शाहरुख खान। शाहरुख,
Has Gauri done anything like कुछ cooking कर ली हो तुम्हारे लिए जैसे wives करती हैं husband को? गौरी मेरे लिए बहुत cooking करती है. हमारी जब नई नई शादी हुई थी तो मेरी mother in law बहुत परेशान, पंजाबी है मेरी mother in law, तो बहुत परेशान थी वो. और वो आई कि अगर तेनू खाना नहीं पकाना होगा ते क्या the way to the man's heart is through his stomach. और अगर अच्छा खाना नहीं खिलाओगी तू तो वो तेनू छड़ देगा और ये कर दूंगा और कर दूंगा. तो वो वहाँ पे आई और उन्होंने उसको कुकिंग क्लास में एनरोल कराया. थोड़े दिन के बाद वो चले गई. थैंकफुली मदर इन लॉ आई थी, चले गई तो अच्छा लगा. आई एम जस्ट जोकिंग. और खाना अच्छा रहा फिर भी. अगली बार जब आई तो उन्होंने आके पूछा भी कि तेनू कैसा लग रहा है गौरी, अच्छा देख कितना अच्छा बना रही है कि दाल देख कितना अच्छा है ये. वो ज्यादा तारीफ कर रही थी उसकी चीजों की. और हमको मालूम ये पड़ा कि जैसे ही मदर इन लॉ तीन दिन के बाद गई थी तो गौरी ने हमारे घर में जो मेड थी उस वक्त उनको एनरोल करा दिया था और वो कभी कुकिंग क्लास गई नहीं. तो और उसका सेकंड प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ कि हमारे घर में उस वक्त एक वर्कर थे, काम कर रहे थे, जो अभी भी करते हैं, हारून हमारे फैमिली मेंबर जैसे हैं. और उनको चंद्रा का खाना इतना अच्छा लगा कि उन्होंने शादी कर ली उसके साथ. व्हाट आर यू सेइंग? या बट एक्चुअली दैट्स अ वेरी इंटेलिजेंट थिंग गौरी ने जो किया है. बट यू नो टू बी फेयर टू हर, मुझे खाने का शौक नहीं है. तो मैंने कभी मांगा नहीं है, मैंने कभी बोला नहीं है. शाहरुख तुम्हें बहुत सारे शौक शादी से पहले नहीं थे, लेकिन क्योंकि गौरी को वो सारी चीजें पसंद है तुमने उसे अपना लिया. हाँ. जैसे कि तुम्हें पार्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, सोशलाइजिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ गौरी तुम हर पार्टी अटेंड करते हो और तुम्हारे घर पे काफी सारी पार्टीज होती है. सी मेरे को एक क्योंकि मैंने जैसे बताया कि फैमिली के लिए, आई गिव यू एन एग्जांपल. सी ये जोरू का गुलाम होना बहुत अच्छी चीज है बिकॉज ये रॉन्ग नहीं है. जिस मर्द को अपने ऊपर यकीन होगा, जो आदमी सचमुच माचो होगा, उसको अपने मसल्स दिखाने की जरूरत नहीं है, वो अंदर से ही है. सी इफ यू बिलीव, सी अगर मैं हाइट में छोटा हूं तो मैं हील्स पहनूंगा, मैं दिखाऊंगा कि मैं लंबा हूं, मैं थोड़ा सा ऐसा खड़ा हूंगा, द वे आई लुक टॉलर. बट अगर मुझे कंफर्ट है कि ठीक है यार यही मेरी हाइट है, मैं ऐसा ही हूं और ठीक हूं, तो मेरे को ये शो ऑफ करने की या एक्स्ट्रा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. एनी मैन हु इज कंफर्टेबल लेटिंग हिज वाइफ बी इज द रियल मैन. एनी मैन हु इज अनकंफर्टेबल लेटिंग हिज गर्लफ्रेंड और वाइफ बी इज एन एब्सोल्युटली इनसिक्योर विम्प एंड फूलिश. शाहरुख सच्चे दोस्त वही होते हैं जो आपको ऑनेस्ट और ट्रूथ सुनाए. प्लीज सुनिए आपके दोस्त आपके बारे में क्या कह रहे हैं. शाहरुख जोरू का गुलाम है, ऑफ कोर्स है. किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन हो तो हमेशा डिस्कशन ऐसे ही शुरू होता है कि गौरी कह रही थी, गौरी ने कहा कि बच्चों को इस गाड़ी में नहीं भेजना, गौरी ने कहा कि घर में ये नहीं होना चाहिए, गौरी ने कहा कि इस कलर की बेडशीट होनी चाहिए, गौरी ने कहा. एक बड़ा ही स्टैंडर्ड सा स्टेटमेंट हो चुका है शाह के साथ. उनको जो करना है जैसे कपड़े पहनने हैं, जहाँ भी घूमने जाना है, इन चीजों से वो मना नहीं करते. अगर कहा जाए कि इन चीजों की वजह से वो जोरू का गुलाम है तो मे बी यस. फ्रॉम द टीस्पून इन द हाउस टू द शैंडलियर्स इट्स गौरी खान ऑल द वे. किसी का भी फोन नहीं उठाता है, आई थिंक खाली गौरी का फोन उठाता है क्योंकि ऑब्वियसली डरता है. गौरी कुछ भी करना चाहे तो शाहरुख इज ऑलवेज विद हर. शाहरुख एक समझदार जोरू का गुलाम, वो एक सिचुएशन को इस तरह करता है कि आपको सब लगे, सबको लगे कि एक्चुअली गौरी सारी डिसीजंस ले रही है, बट एक्चुअली वो खुद करता है जो वो करना चाहता है. तो ही इज अ समझदार जोरू का गुलाम. समझदार जोरू का गुलाम. शाहरुख इज इट ट्रू? बट गौरी से आज हमें यहाँ जाना है तो यू ब्यूटीफुली यू गेट रेडी, आप चले जाओ. मैं उसमें डिस्कशन भी नहीं कर. बट एक्चुअली ये जो मेरे दोस्त कह रहे हैं ना, हाँ, इससे मुझे आज एक बात का एहसास हो गया है. तुम लोगों से मुझे कुछ कराना हो तो मैं सिर्फ ये झूठ बोलता हूँ कि गौरी कह रही थी कि ये करो तो तुम लोग कर देते. शाहरुख हम लोग तो मैं गौरी का गुलाम नहीं हूँ, तुम लोग और मेरे दोस्त जो हैं गौरी के गुलाम. ऐसा बिल्कुल नहीं है. आई एम द किंग. यू हां. अच्छा यू उल्टा बात, उल्टा उल्टा. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम लोग मालूम पड़ गया मुझको. आई हैव अंडरस्टूड. शाहरुख हर पार्टी पे मैंने देखा है गौरी इज कॉल्स एवरीबॉडी. आप यू डोंट नो, तुम्हें पता ही नहीं है कौन आ रहा है उस पार्टी पे. यू आर लाइक अ गेस्ट. तुम्हें बोला गया है कि शाहरुख 11 बजे कपड़े पहन के आ जाना पार्टी रूम में. तो शाहरुख आता है एंड सडनली सी सारे गेस्ट जो गौरी ने बुलाए हैं. उसके बाद गौरी पार्टी कर रही है और शाहरुख को हम दरबान खान बोलते हैं क्योंकि वो बेचारा सिर्फ गेट पे खड़ा रहता है सबको छोड़ने के लिए. ही इज जस्ट एस्कॉर्टिंग पीपल टू देयर कार एंड ड्रॉपिंग देम ओवर देयर. सी मुझको अगर तुम लोगों ने पहले बता दिया होता कि शो में लाके तुम लोग मेरी इतनी बेइज्जती करोगे तो हो सकता है गौरी के कहने के बावजूद भी मैं शो में नहीं आता. सो ऑन दिस नोट हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे शाहरुख और उसके बाद हम आएंगे क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं आम जनता जो आपसे एडवाइस लेना चाहती है इस विषय में.
कि पत्नी परमेश्वर कैसे बना जाता है, अपनी बीवी को कैसे खुश रखना चाहिए। तेरे लिए ब्रेक मैं कर देता हूँ। हाँ प्लीज। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे शाहरुख के साथ, जो अपनी बीवी की परमिशन से यहाँ पर आए हुए हैं, और आप लोगों के सवालों के जवाब भी वो देंगे। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा न्यूट्रिजीना डीप क्लीन पता ही होगा क्योंकि तूने इतना बोल दिया है, तो ब्रेक के लिए टाइम नहीं है। सो वी आर गोइंग फॉर अ स्मॉल ब्रेक, लेकिन जल्दी हाजिर होंगे न्यूट्रोजीना तेरे मेरे बीच में को वापस लेकर। प्लीज डोंट गो अवे। ओ टू गुड यार, ये मेरा आई थिंक ये फर्ज बन जाता कि आई शुड मेक श्योर कि हर पेरेंट्स शुड टर्न अराउंड एंड टेल मी यू नो समथिंग, हम भी अपनी बेटी का इतना अच्छा ख्याल नहीं रख सकते जितना तुम रखते हो। गौरी वो टी शर्ट लेकर गई और उन्होंने एक्सचेंज भी कर लिया, लेकिन उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं लिया। उन्होंने कहा ये तो हॉस्पिटल में है, इसको क्या नए नए कपड़े पहनने की जरूरत है, तो उसकी जगह उन्होंने अपने लिए हैंडबैग ले लिया उसकी जगह में, कि वो ज्यादा काम आएगा। वेलकम बैक टू न्यूट्रोजीना प्रेजेंट्स तेरे मेरे बीच में। शाहरुख, आई नो कि आप बहुत जेनरस हस्बैंड हैं और आपने गौरी को बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं, और मैं जानना चाहती हूँ कि वो गिफ्ट्स का गौरी करती क्या है। मैंने जब भी गौरी को गिफ्ट दिया है, अब तो खैर मैं बचपन से कह सकता हूँ, मैं 24 साल से जानता हूँ उसको, तो उसने नॉर्मली वो एक्सेप्ट किया है और सबके सामने एक कैजुअल सा हक दे के थैंक यू भी बोला है, बट 99.9% टाइम्स उसने वो गिफ्ट वापस करके उसकी जगह कुछ और खरीद लिया। अब नॉर्मली ऐसा हो चुका है कि गौरी जो है खुद मुझे महीने या डेढ़ महीने बाद बोल देती है कि लिसन यू गिव मी अ गिफ्ट, और मुझको वो दिखा देती है कि ये वाली गिफ्ट मैंने उसको दी है। लवली। तो हमने डायरेक्ट कर दिया, ये जो मैं बीच में मिडल मैन बनता था कि दुकानदार के पास जाके गिफ्ट ला के यहाँ दूं, मुझे निकाल दिया गया है। सो मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो खत्म हो चुका है। गौरी भी आपको बहुत सारे गिफ्ट ला के देती है। गौरी ने मुझे आज तक कोई गिफ्ट नहीं दिया है। उनका एक्सक्यूज है कि बोलने का तरीका है कि व्हाट शुड आई गिव अ मैन हु हैज एवरीथिंग इंक्लूडिंग मी। तो मैं कहता हूँ ठीक है, अब नहीं मांगता हूँ। और एक बार मुझे याद है, मैं बहुत मुझे चोट लगी थी स्पाइन में, तो मैं लंदन में डेढ़ दो महीना मुझे रहना जरूरी था, तो मैंने जाके एक दुकान से टी शर्ट खरीदी जो थोड़ी बड़ी है। पहनने के बाद मुझे ऐसा लगा वो ठीक नहीं है, वेस्ट है, मैं हॉस्पिटल में ही था, तो मैंने कहा यार ये ने गौरी को कहा कि वो टी शर्ट जाके रिटर्न कर दो, कि वो वापस कर दो और उसकी जगह मुझे वो कॉटन वाली ले आओ। तो वो उसने कहा नहीं, वो वापस लेते नहीं है, हालांकि लंदन में ले लेते हैं वापस। फिर वो एक दिन गई भी, उन्होंने कहा कि नहीं ली, दो दिन हो गए। तो हमारी एक और दोस्त है पैमेला और काजल, आई थिंक वो मुझसे मिलने के लिए आई और कहा कि हम झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन गौरी वो टी शर्ट लेकर गई और उन्होंने एक्सचेंज भी कर लिया, लेकिन उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं लिया। उन्होंने कहा ये तो हॉस्पिटल में है, इसको क्या नए नए कपड़े पहनने की जरूरत है, तो उसकी जगह उन्होंने अपने लिए हैंडबैग ले लिया उसकी जगह में, कि वो ज्यादा काम आएगा। सो शाहरुख, आपके फैंस और जो आम जनता है उनका वो क्या सोचते हैं आपके बारे में? शाहरुख खान जोरु का गुलाम, मुझे लगता है कि गौरी की ही चलती है और गौरी की ही चलनी चाहिए। होंगे वो किंग खान, लेकिन उनके घर पे तो ऑब्वियसली क्वीन खान का ही चलता होगा। गौरी खान इज मोर ऑफ डोमिनेटिंग टाइप देन शाहरुख खान। मुझे लगता है गौरी से इतना डरते होंगे कि जब कोई न्यू फिल्म साइन करते होंगे तो भी अपने कोस्टार कौन है ये आप गौरी से पूछते होंगे। शाहरुख और गौरी के बीच में झगड़ा होगा तो डेफिनेटली शाहरुख खान ही सॉरी बोलेगा। हम सबको ऐसा लगता है कि बहुत सारी शर्तों को शाहरुख ही मानता है। अच्छी किसी की अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड वाइफ की तो लोग चलते भी हैं। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें मैंने सुना था कि शाहरुख हमेशा अपनी वाइफ को कॉल करते हैं जब भी वो शूट पे होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो जोरु का गुलाम वो है भी तो किसी को प्रॉब्लम क्या है, ये उसकी लाइफ है, उसे जो करना है वो करे। मुझे लगता है कि एक कॉन्फिडेंट आदमी ही जोरु का गुलाम बन सकता है। तो मैं भी जोरु का गुलाम हूँ, तो शाहरुख भाई आप टेंशन मत करना। शाहरुख, क्या तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है? शाहरुख, क्या कोई ऑप्शन है? मुझे ऑप्शन चाहिए ही नहीं। दैट्स अ गुड। हाँ, मुझे ऑप्शन चाहिए ही नहीं। अगर ऑप्शन आदमी ढूंढने लगे तो फिर आई थिंक बहुत सारे रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। आई अग्री। बट बियॉन्ड दैट कि अगर मुझे ऐसे लगे कि मैं किसी लड़की को उसके माँ बाप के घर से उठाकर अपने घर में लाया हूँ और हमेशा मेरी अपनी बेटी है, तो मुझे बहुत टेंशन रहती है कि मेरी बेटी की जब शादी होगी तो वो किस लड़के के साथ जाएगी, वो उसको ठीक तरह रखेगा, उतना प्यार करेगा जितना मैं करता हूँ। सो आई बिलीव उसके पेरेंट्स भी ऐसा ही सोचते होंगे, और आज ये मेरा आई थिंक ये फर्ज बन जाता कि आई शुड मेक श्योर कि हर पेरेंट्स शुड टर्न अराउंड एंड टेल मी यू नो समथिंग, हम भी अपनी बेटी का इतना अच्छा ख्याल नहीं रख सकते जितना तुम रखते हो। शाहरुख, अब जब तुम कन्फेस कर ही चुके हो कि तुम फुल जोरू के गुलाम हो, तो यहाँ आए हुए हमारे कुछ ऑडियंस मेंबर्स के भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। वो तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे और तुम उन्हें एडवाइस देना ऑन हाउ टू बी अ गुड जोरू का गुलाम। तो कलाकार से सलाहकार बन जाओ। चलो लेट्स गो।
सर एक्चुअली मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, अब शादी भी होने वाली है. ऑब्वियसली तूने एंगेजमेंट करके डिवोर्स थोड़ा होता यार. आजकल इतना ऑब्वियस नहीं है शाहरुख. तो अभी से ही जो मेरे होने वाली है वो मुझ पर एकदम जोरू का गुलाम अभी से बना के रखा है मुझे. हॉलीडेज होती है तो घर पर आती है, फोन करके बोलती है जीतन मैं आ रही हूँ घर पे मेरे लिए बना के रखना. कार लेके आती है तो मुझे बोलती है मेरी कार पार्किंग कर दो मैं जा रही हूँ ऊपर एंड ऑल. सो आई एम वेरी कंफ्यूज व्हाट टू डू. हाँ बट एक छोटी सी बात बोलता हूँ, अगर तुमको एक बेसिक प्रॉब्लम है कि लड़कियों के साथ कर्टियस होने में प्रॉब्लम है, तो मैं तो ऐसा है कि मेरी बीवी जब गाड़ी लेके आती है या कोई भी लड़की गाड़ी लेके आती है वो छलांग मार के निकल जाती है, मैं चलती गाड़ी को रोक के आराम से पार्किंग. आई थिंक छोटी कर्टेसीज की वजह से अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, वो बीवी या गर्लफ्रेंड या तुम्हारी जो होने वाली बीवी है उनकी प्रॉब्लम नहीं है. तो तुम एक तरह से सोचने लगो कि एक थोड़ा सा कर्टेसी ले आऊंगा. ये अब कॉलेज का या स्कूल का लड़की लड़के का नोक झोंक नहीं है, ये एक जिंदगी का डिसीजन है. तो गाड़ी पार्क करना और खाना बनाना बहुत छोटी छोटी सैक्रिफाइसेस. और अगर ये तुम हाँ अगर वो संडे को तुमको पीटने के लिए ऑफर करे तो तब शादी मत करना. हाँ जी एक्चुअली क्या है कि मुझे जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं सब लोग मुझे जोरू का गुलाम कहते हैं और जोरू का गुलाम कह के चिढ़ाते हैं मुझे, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता. क्या मैं नॉर्मल आदमी हूँ? हम दोनों को और मिलना चाहिए क्योंकि मेरी भी यही प्रॉब्लम है यार. मैं भी जाना, आप बता सको तो मुझे बता दो क्या मैं नॉर्मल हूँ. नहीं आप तो नॉर्मल लग रहे हैं. आप भी नॉर्मल हो, एक दूसरे को हमने मान लिया, हम दोनों नॉर्मल ही हैं यार. थैंक यू वेरी मच. चंदे पट्टे. थैंक यू वेरी मच सर. एनीवन एल्स? अरे आप जोरू का गुलाम में कैसे? डिफरेंट क्वेश्चन. डिफरेंट क्वेश्चन. अच्छा हाय शाहरुख. हाय. मेरा बेटा मेरा अपने शादी के पहले वो मेरा बात बहुत सुनता था, लेकिन अभी शादी के बाद एकदम जोरू का गुलाम है. तो मैं क्या करूं कि मुझे वो आदर्श और आज्ञा करी बेटा वापस मिले? आपने कभी उनके साथ बात की? मैं उससे डरती हूँ. सारी फैमिली उनसे डरती है, मतलब वो भी डरते हैं, बेटा भी डरता है, ये भी डरता है. मैचो मैन एक्चुअली. आई थिंक उनकी अपनी जिंदगी है, उनकी अपनी रिलेशनशिप्स हैं. आई थिंक कि अगर पेरेंट्स हमेशा सैक्रिफाइस करते हैं, थोड़ा त्याग करते हैं, अगर उनकी रिलेशनशिप में दरार आती है इस वजह से कि आप उसको चाहते हैं कि आपकी बात सुने, आई थिंक यू शुड लेट गो. आई थिंक लेट देम हैव अ गुड लाइफ, दे आर योर चिल्ड्रन. अगर मेरे बच्चों के लिए मुझसे कोई सैक्रिफाइस मांगी जाए तो मैं दे ही दूंगा. तो आप भी बड़ी हैं, आपका दिल बड़ा है, आप माँ हैं, तो आप कहेंगे चलो यार ठीक है उसको मजे करने दो. ठीक है, आई लिसन टू यू ओनली. या जस्ट लेट देम बी एंड यू विल बी हैप्पियर आल्सो. नमस्ते. मेरा सवाल ऐसा है कि मेरे पति मेरी सुनते ही नहीं, बस अपनी मनमानी करते हैं. और मैं जब भी मेरे फ्रेंड्स को देखती हूँ तो मुझे बहुत ऐसे ये होता है कि ये लोग कैसे मतलब ऐसे पति को अपने मुट्ठी में रखते हैं. हो सकता है शुरू में इनिशियली जब आपकी मैरिज हुई थी तो समवे डाउन द लाइन आपको अच्छा लगता था कि हाँ, वो जो है हर चीज का कंट्रोल करते हैं. अब वो यूज टू हो गए हैं और अब वो जो है वापस आना उनका बड़ा मुश्किल है. ये जो पतंग है इसको बहुत ढील दे दी आपने. अब ये कभी कभार उनसे बैठ के थोड़ी बहुत बात करेंगे. अगर आप ये एपिसोड उन्हें दिखाएंगी और वो देखेंगे कि शाहरुख कितनी अपनी बीवी का कहना मानते हैं कि शाहरुख. दैट इज आल्सो बिकॉज मेरी बीवी ने शुरू से ही छूट नहीं दी मुझको. आप छूट दे चुकी हैं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा. शुरू में अच्छा लगता है. शुरू में थोड़ा सा अच्छा लगता है. शुरू में सब चीज अच्छा ही लगता है, प्रॉब्लम बाद में आता है. तो शाहरुख काफी एडवाइस दे दी, लेकिन वी हैव समबडी जो आके तुम्हें एडवाइस देने वाले हैं. और शाहरुख की अंदर की जो फैमिली बातें हैं कोई. ओके 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 ओके. इससे पहले कि फारा मेरे और पर्दाफाश करे और पोल खोले, मैं थोड़ा सा प्रिपेयर होना चाहता हूँ. तो एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, लेकिन आप लोग जल्दी से वापस लौटिएगा बिकॉज वी आर कमिंग बैक आफ्टर छोटा सा न्यूट्रोजीना डीप क्लीन ब्रेक के बाद. विक्रांत पहली बार टीवी पर आए हैं और उनका ये कहना था शुरुआत से और अभी भी यही कहते हैं कि बच्चू तू बच गया है, अगर मैं टीवी पे एक्टिंग कर सकता ना तो तू साले कभी हीरो नहीं बनता था. आपको पता था कि ये गौरी के भाई हैं? हाँ, इसलिए मैंने सिर्फ 5 गोल किए वरना 20 गोल मारता था. वेलकम बैक टू न्यूट्रोजीना तेरे मेरे बीच में, जहां मैं बैठी हूँ विद द अल्टीमेट वाइफ प्लीजर शाहरुख खान. लेट मी टेल यू कि तुम सिर्फ वही एक मर्द नहीं हो जिन्होंने अपनी वाइफ
की हुकूमत कबूल की है. हमारे पास हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा नौजवान आया है जो एडमिट करता है खुद के वो जोरू का गुलाम है. तो हैव अ लुक. आई एडमिट आई एम जोरू का गुलाम. जब से हुई है शादी आंसू बहा लगा हूँ. मेरा लाहिरी हाउस का रूल्स है, घर में रहते हैं अच्छे हस्बैंड बन के रहो. कोई लड़की को देखना नहीं, तकना नहीं. अगर गाना सुन के भाग के आया, किस किया, फिर से तुम वॉश कर लेना. मैं जो सुनता हूँ बीबी का, वो सुनने के लिए अगर जोरू का गुलाम कहे, आई एडमिट आई एम जोरू का गुलाम. लोग मुझे देते हैं ताना, क्या जमाना तो है नौकर. बीबी का बीबी का बीबी का. आई थिंक जब बप्पी दा कैन एडमिटेड, कोई भी मर्द को शर्म नहीं आनी चाहिए. लेकिन पता है बप्पी दा सच नहीं कह रहे, क्योंकि औरतें जानती हैं कि वो अपनी जिंदगी की कोई भी चीज अपनी मर्जी से दे सकती हैं अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को. लेकिन एक चीज से कोई भी औरत पार्ट नहीं करती अनलेस उसके साथ जोर जबरदस्ती की जाए, और वो होती है ज्वेलरी. द फैक्ट कि बप्पी दा अपनी बीवी की ज्वेलरी पहनकर घूमते हैं. शाहरुख, हम ऐसे शख्स को यहाँ बुलाने वाले हैं जिस द ओनली पर्सन बिसाइड गौरी जिससे शाहरुख डरते हैं. क्योंकि हम कहते हैं ना कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ. सो फॉर द फर्स्ट टाइम गौरीज ब्रदर एंड शाहरुख ब्रदर इन लॉ विक्रांत. मैं सबको बताना चाहूंगा, विक्रांत पहली बार टीवी पर आए हैं और उनका ये कहना था शुरुआत से और अभी भी यही कहते हैं कि बच्चू तू बच गया है, अगर मैं टीवी पे एक्टिंग कर सकता ना तो तू साले कभी हीरो नहीं बनता था. हम दिल्ली वाले हैं तो हम लोग ऐसी बातें करते हैं. विक्रांत इज वेरी गुड लुकिंग. मैंने उसे ऑफर किया था एक रोल बिकॉज ही केयर्स अबाउट. मैंने सैक्रिफाइस कर दिया इसके लिए. और एक बात है कि चक दे जो फिल्म है, हॉकी की जो इंस्पिरेशन मिली है वो विक्रांत से मिली है शाहरुख को. तो कैन वी हियर अबाउट दिस? ऐसी ऐसी कोई स्पोर्ट्समैन सीरीज नहीं है, वो हॉकी स्टिक लेके उसको मारने गया था एक बार. तो कैन वी हियर द स्टोरी? नहीं, ऐसे है कि हमारे मैचेस होते थे. एक मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि विक्रांत ये स्टोरी बताएगा आप लोगों को. हाँ. और जो सच्ची स्टोरी है वो मैं बताऊंगा. इसका एक वर्जन है, मेरा एक वर्जन. वर्जन कुछ भी हो पर जो फैक्ट है वो मैं ही बताऊंगा. तो जल्दी जल्दी में झटपट बताओ. हाँ, तो हमारे मैचेस होते थे एंड हॉकी टीम होती थी. हाँ. हमारी बेस्ट टीम होती थी. ये कॉलेज में थे और मैं स्कूल में था. मैं बीप बीप कर सकता हूँ कि झूठ जब बोल रहा है. मेरी बेस्ट टीम होती थी. कौन सी बेस्ट टीम होती थी? तो हमारे मैचेस होते थे, ये कुछ ज्यादा ही तेज रहते थे. तो हमारा ये रहता था कि इनको मार्क कैसे करना है. तो आई वॉज टोल्ड टू इनको मार्क करने के लिए. लेकिन एक मिनट, मेरे को एक बार पूछना है. डिड यू, तभी तुम्हें पता था कि ये तुम्हारी बहन को लाइन मार रहा है? मेरे को आइडिया था ये कि वही है. हाँ. ये रेड कलर की निक्कर पहनते थे. नेकर बोलते हैं. नेकर. हाँ, नेकर, नेकर. नेकर पहनते थे. तो ये फिर जैसे गोल करने के लिए भागते थे तो मेरे को ये ऑर्डर्स थे कि इनके गिट्टों को तोड़ना है. गिट्टे मींस एंकल्स. एंकल्स को टखने. किसने ऑर्डर दिए? हमारे कोच थे, हमारे दूसरे प्लेयर्स थे. ऐसा कुछ नहीं था. गेम चलती है हॉकी. कोच ने नॉर्मली बोला था कि ये जो है राइट आउट या सेंटर फॉरवर्ड खेलेगा, तुम डिफेंस में हो, तुम इसको रोक लेना. तो नाम उनको भी नहीं मालूम था. तो मेरे को याद है हम सब हरियाणवी टाइप लोग हैं. दिल्ली में जब हॉकी खेलते हैं तो ऐसे ही खेलते हैं, पंजाबी और हरियाणवी सब. तो ये साड़े वो लाल चड्डी वाले को पकड़ो, लाल नेकर वाले को पकड़, लाल नेकर वाले को पकड़. एंड टीचर ने कहा था कि यार उसको रोक लेना गोल करने से. इसने अपने आप इंस्ट्रक्शन ले ली. ओ यार, इसके तो मैं गिट्टे तोड़ दूंगा आज. आपको पता था कि ये गौरी के भाई हैं? हाँ, इसलिए मैंने सिर्फ 5 गोल किए, वरना 20 गोल मारता था. You knew के ये गौरी का भाई है. हुँ. और ये साला तुझे मार रहा है. ये तो काफी डरते थे मेरे से, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ. ये काफी डरते थे तुम. Is that true, शाहरुख? I'm you're not beeping, so I'm guessing it's true. मैं सच बात बताता हूँ. विक्रांत फोन उठाते थे कभी कभी जब गौरी को मैं फोन करता था. हाँ. तो दिल्ली में ये फोन उठा के कहता हेलो. हाँ साला कौन बोल रहा है? हेलो. तो मैं डर जाता था कि यार नहीं ऐसा हेलो बोलता था, डर जाता था, मोटी आवाज है इसकी. तो मैं यार बड़ा डरता था कि गौरी का भाई है, कोई लंबा चौड़ा डरावना सा होगा. तो पहली बार मैं जब इसको मिलने गया तो मैंने कहा यार मैं मिलूंगा, लंबा चौड़ा कोई होगा, हरियाणवी टाइप मारेगा. हेलो, ये आवाज के साथ मैं जा रहा था. ओए साले कौन बोल रहा है? तो मैं ये आवाज को मिलने जा रहा था. तो जब हम मिलने गए, मेरा एक दोस्त था 6 फुट 4 इंच का है, अशोक.
हम दोनों गए मिलने के, यार अपनी वो वाइफ के भाई से मिल रहे हैं, तमीज से बड़ा है लोड। When he came in front, ये गोरा था, इसकी आंखें लाल थी, इसके बाल गोल्डन थे और ये हमसे 3 इंच छोटा था और पतला था। तो मेरे दोस्त के मुंह से पहली बात ही निकली, यार ये और भी होगा ही ना, ये आधा आया है, पूरा नहीं आया है। बट विक्रांत, कभी मस्का लगाया था शाहरुख ने तुम्हें कभी ऐसा? बहुत, हमेशा। उस वक्त मैं शाहरुख खान था। अच्छा। आज ये शाहरुख खान है। विक्रांत, एक पार्टी में कुछ हुआ था ना, गौरी की पार्टी थी, तो मैं उसको लेने चला गया रात को, लेट नाइट थी, तो मैं खुद ही लेके आता था उसको। तो ये वहाँ पे थे, तो हम वहाँ पे अनइनवाइटेड वहाँ पहुँच गए, तो वहाँ पे ये हम पार्टी के बीच में, मैं और मेरा फ्रेंड बैठे, तो ये आए मेरे पास, मेरे को कहते कि आई वॉन्ट टू स्पीक टू। तो मैं साइड पे गया, मैंने कहा हाँ भी क्या बात है। तो वैसे बोलता था गुंडों की तरह, बोलने तो मैंने कहा हाँ भी क्या बात है, क्या चाहता क्या भाई, चाहता क्या, तू बोल बात करा, मुंह खोल साले। तो ये आया मेरे पास, मेरे को कहता ये, फिर भी मतलब ये सब कुछ डराने के बाद मैं कहता मेरे को आपकी बहन के साथ डांस करना है। You actually asked him this. I said, is it okay? Or because she was getting tense, तो मैंने कहा, is it okay if I dance with her? कि तू उसको डांटेगा? तो फिर क्या हुआ पार्टी पे? तो पार्टी में फिर ये आए मेरे पास कि जी हमने डांस करना है। तो यू नो आई थॉट दैट कि ये बंदा फिट है यार, मैं तब तक ये मान चुका था कि ठीक है, शरीफ लड़का है, कोलंबस का पड़ा हुआ और जेन्युइन आदमी है। तो शो तो करना था कि मैं एग्री नहीं करता, पर जिस तरीके से इसने अप्रोच किया और पूछा मेरे से ये, तो ठीक है, मैंने कहा मैं यहीं खड़ा हूँ, आप कर लो डांस। शाहरुख, यू मीन यू डांस विद गौरी व्हाइल विक्रांत वाज स्टैंडिंग देयर? विक्रांत बीच में खड़ा था, गौरी वहां थी, मैं यहां था दूर दूर से। ये कौन सा डांस था? मैं वहीं खड़ा देख रहा था। ये कौन सा डांस था? दूर दूर से डांस करते, मैं कहा ठीक है अब हो गया, अब टाइम हो गया जाने का। बट विक्रांत, तुमने एक्सेप्ट कब कर लिया कि अब यही है जो है, यही है? आई थिंक आफ्टर आई मेट यू 3-4-5 बार। आफ्टर ही मेट मी 4-5 टाइम्स, देन ही डिसाइडेड कि ठीक है। सो यू हेल्प्ड हिम इन गेटिंग मैरिड टू गौरी? या आई हैड, आई नेवर अपोज्ड। फैमिली से ऑपोजिशन थी? ऑब्वियसली मम्मी डैडी से। हां बिल्कुल, ऑपोजिशन तो थी पर मैंने अपोज नहीं किया, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं। इसलिए बोला मैं न्यूट्रल पार्टी हूं, मैं तेरे अगेंस्ट नेगेटिव नहीं बोलूंगा लेकिन पॉजिटिव नहीं बोलूंगा मैं। ऐसे क्या? तो मतलब सी सैट ऑन द फ्रेंड्स ने कहा कि मेरे घर में बड़ी इज्जत है यार, वो क्या सोचेंगे कि मैं एक लौंडा ले आया हूं लड़की के साथ शादी करने के लिए। तो मैं दूर से देखूंगा सब कुछ, और यार तुझे तो करना कर ले, मैं नेगेटिव नहीं बोलूंगा, बातचीत चालू होगी ना मैं चला जाऊंगा डाइनिंग टेबल। नाउ वी हैव अ लकी ऑडियंस मेंबर हु विल गेट द न्यूट्रोजेना हैम्पर व्हिच विल मेक हर स्किन हेल्दी एंड ब्यूटीफुल जस्ट लाइक शाहरुख। तो हमने इस बोल में हमारे ऑडियंस में आई हुई सारी लड़कियों के नाम लिखे हैं और इसे हम हिलाकर एक लड़की का नाम पिकआउट करेंगे जिससे मिलेगा न्यूट्रोजेना हैम्पर, और वो लड़की है मानसी। अब वक्त है एक न्यूट्रोजेना डीप क्लीन ब्रेक का, सो टेक अ ब्रेक, वील स्टिल बी हियर व्हेन यू कम बैक। आप ना, ये शो का एंड होने वाला है, तो आप ये बोल दो कि एक चीज जो शाहरुख के बारे में किसी को नहीं मालूम वो ये है कि वो जोरू का गुलाम नहीं है। मैं तो ये कहूँगी, ये भी नहीं बोल रही है शाहरुख, अरे बोल दो, पैसे दे दूंगा मैं। मनी इज लक्ष्मी तो औरत के पास नहीं, लक्ष्मी तो औरत के साथ ही रहेगी। वो तो है, पराई औरत है, शाहरुख के साथ थोड़ा रहेगी। टू न्यूट्रोजेना प्रेजेंट्स, तेरे मेरे बीच में एक और फैमिली मेंबर है जिससे बड़े बड़े बादशाह, किंग्स, प्रेसिडेंट्स डरते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि बराक ओबामा, मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड, उसने भी उनके आगे सर झुका दिया और व्हाइट हाउस में उनकी मदर इन लॉ पहुंच गई है। तो यू आर ऑल्सो ऑलमोस्ट द किंग ऑफ द वर्ल्ड। ऑलमोस्ट नहीं, मैं हूँ किंग ऑफ द वर्ल्ड। आपका भी एक व्हाइट हाउस है और वहाँ भी आपकी मदर इन लॉ आती है। तो विदाउट मच, मैं ओबामा की मदर इन लॉ को भी रखने वाला हूँ, सारी मदर इन लॉज को रखूंगा। तो आई थिंक विदाउट मच अडू, फर्स्ट टाइम एवर इन इंडियन टेलीविजन हिस्ट्री, शाहरुख की मदर इन लॉ मिसेज सविता चिब्बा। पूछ रहा है सविता आंटी के, आपको लगता है कि शाहरुख जोरू का गुलाम है जो आपने अभी तक सुना है? आई डोंट वॉन्ट टू यूज दिस वर्ड जोरू का गुलाम,
मेरे हस्बैंड जैसे थे वैसा ही ये जैसे आपके हस्बैंड थे। He also listens to me everything and same is he। तो गौरी ने इनकी मम्मी से सीखा है। हाँ, इन्होंने इनकी मम्मी से सीखा है, मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। लेकिन सविता आंटी तो खुश होंगी क्योंकि हर माँ चाहेगी कि अपनी I'm very lucky. You're I have a son-in-law like that who's the अंकल खुश है कि नहीं? अंकल खुश है? खुशी होंगे तभी खुश रहेंगे। खुशी होंगे और अगर नहीं खुश है तो मार मार के खुश कर देंगे हम यार। लेकिन आंटी जब आप पहले अपोज थी शाहरुख से तो व्हाट डिड शाहरुख डू, ऐसा शाहरुख ने क्या किया कि आपका मतलब थॉट प्रोसेस चेंज हो गया? एक अच्छे इंसान को देख के कोई क्या हो सकता है, वही होएगा मेरा, बिकॉज़ ही इज सच अ गुड पर्सन। ने कब कब कौन से मोड पे अच्छे लगने लगे, जब पहली बार गौरी लेके आए? ही बिकेम माय सन इन लॉ दैट वेरी डे। जिस दिन शादी हुई उस दिन अच्छा लगने लगा। एब्सोल्युटली, पहले मैं बड़ा गंदा लगता था। बट विदाई के दिन क्या हुआ था शाहरुख? विदाई के दिन बड़ा फनी था, ये रो रही थी और इनके जो भाई हैं तेजेंद्र जी मामा जी वो बहुत इमोशनल है, वो इनसे भी ज्यादा रो रहे थे। अच्छा, अंकल भी रो रहे थे, सब रो रहे थे, तो मेरे को बहुत अजीब लगा क्योंकि मेरी पहली पहली शादी थी। तो नो रियली, मैंने ऐसा पिक्चरों में देखा था, असली में हुआ नहीं। तो मैंने गौरी को बोला यार तू रुकी जा क्योंकि इतना रो रहे, मुझे बड़ा गिल्ट फील हो रहा है, तो तू यही रह जा, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि ये लोग खुश ही नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो ये रख लो गौरी को, मैं आ जाया करूंगा हफ्ते में सैटरडे संडे। ऐसा हुआ नहीं, वो एडजस्टमेंट मानी नहीं, तो तब से गौरी मेरे सिर पे बैठी हुई। शाहरुख को कुछ एडवाइस देना चाहोगे आंटी? हम तो इसकी एडवाइस लेते हैं। मैं लेते हो आप लोग सब? मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कभी कभार मेरी फिल्में अच्छी नहीं होती, बहुत बार नहीं होती, फ्लॉप हो जाती है, नहीं चलती है। अब मेरे को सबसे बड़ा टेंशन ये है कि आंटी जो है इतनी परेशान हो जाती है, वो किसे चल रही है, पिक्चर बना लूगी है, उन्होंने आंधा पिक्चर बनाना बोलूंगा? मैं तो देखा ही नहीं है कोई। फर्स्ट टाइम आई रिमेम्बर जब करण पिक्चर बना रहा था तो हम डिनर करने के लिए घर पे बैठे, तो आया कहता ये मुंडा मैनू नहीं लगता है पिक्चर बना सकता है। हाँ, ये तो बड़ा स्वीट जे आएगा, इन्हू नहीं लगता है मैनू, इधर कुछ टेंस है, यश चोपड़ा टाइप होना चाहिए, ये एकदम पावरफुल मैन। लेकिन आंटी ने मुझे कहा है दैट माय मूवीज आर हर फेवरेट। अभी सबको, मेरे हर डायरेक्टर को यही बोलती है। तो विशाल वी सी अंकल्स बीटी, आई नो SRK एवर सिंस दे गॉट मैरिड, दे आर बोथ वंडरफुल कपल, टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स एंड love each other. That love is a great binding factor. Shah Rukh is a very independent man and difficult to control mind-wise. But Gauri does control him. Yes, Joru ka gulam you can say, but all men are Joru ka gulam. I think I myself am a Joru ka gulam if you ask me. इनकी जीन्स में है ये सब। हाँ, जो इनसे शादी करता है ऐसा हो जाता है, चल रही है काफी सालों से। आपकी मम्मी भी ऐसे थी। हस्बैंड माय सन इन लॉ आई एम सो लकी। आंटी ये बात सही है कि शादी से पहले शाहरुख काफी फेस्टिवल्स नहीं मनाता था, बट आफ्टर मैरिंग गौरी जैसे मन्नत में होली पहली बार प्ले की गई बिकॉज गौरी लव्स होली। एक्चुअली मैं दिल्ली का हूँ तो दिल्ली में हम होली मनाते थे। मेरी जो अपब्रिंगिंग है, दिल्ली वालों की अपब्रिंगिंग थोड़ी मुंबई से डिफरेंट है, तो जैसे दिवाली दशहरा होली इंटेग्रल पार्ट है दिल्ली के फेस्टिवल्स में, तो हम बनाते थे। और क्या है क्योंकि हम लोग दोनों अलग रिलीजन के हैं, हिंदू और मुस्लिम है, फिर बच्चे भी हो गए, आई थिंक एक बॉन्डिंग हो जाता है उससे कि यार हर किस्म के रिलीजन की दोस्ती हो जाती है, प्यार हो जाता है उससे। हमने एक क्लिप बनाई है आपकी बॉन्डिंग की, विच आई थिंक सबको देखना चाहिए बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। इसको गायत्री मंत्र आता है पूरा, है मेन पूजा ये करेगा। नेशनल इंटीग्रेशन यही है शाहरुख। आंटी ये बात तो सही है कि पूरी दुनिया ऑलमोस्ट शाहरुख के बारे में काफी कुछ जानती है, लेकिन एक चीज आप हमें ऐसी बताओ जो कोई नहीं जानता है शाहरुख के बारे में। आई थिंक इज अ वेरी ओपन पर्सन, सबको पता है, सब जानते हैं। आप ना ये शो का एंड होने वाला है तो आप ये बोल दो कि एक चीज जो शाहरुख के बारे में किसी को नहीं मालूम वो ये है कि वो जोरू का गुलाम नहीं है, सारे घर के अंदर सब उसकी सुनते हैं इंक्लूडिंग गौरी, बोल दो ना। नहीं नहीं ऐसे ये भी मैं बोलूंगी। हाँ? मैं तो ये कहूंगी, ये भी नहीं बोल रही शाहरुख, अरे बोल दो पैसे दे दूंगा।
बट ऐसे कोई डिसीजन है जो वो अपने आप ही लेता है? मेजर डिसीजन को ही हैज टू टेक प्रोफेशनली एवरीथिंग. चेक भी तो गौरी साइन करती है. मनी की डोंट टॉक अबाउट द मनी पार्ट बिकॉज मनी इज लक्ष्मी तो औरत के पास ही. लक्ष्मी तो औरत के साथ ही रहेगी. हाँ, वो तो है. पराई औरत शाहरुख के साथ थोड़ा रहेगी. आंटी के अगर आपको कभी चूज करना पड़े, आप शाहरुख के साथ रहोगे या गौरी के साथ? शाहरुख के साथ. टू गुड. शाहरुख के साथ. तो विक्रांत और सविता आंटी, थैंक यू सो मच. और अब वक्त है एक न्यूट्रोजेना डीप क्लीन ब्रेक का. ब्रेक के बाद एक ऐसी जोरू और एक ऐसे गुलाम जो अभी क्यों बताऊं, वापस आने के बाद बताऊंगी. बस यूं गए और यूं आए. मेरी काफी तुमने हंसी भी उड़वा ली. मेरी मदर इन लॉ को मेरे साथ बिठवा के उनसे भी पूछ लिया. मुझे ये बताओ कि तुम्हारा जो तुम्हारे हस्बैंड से रिलेशनशिप है वो कैसा है? न्यूट्रोजेना प्रेजेंट्स तेरे मेरे बीच में. मैं एक्चुअली एक बात बताना चाह रहा हूँ और पूछना भी चाह रहा हूँ तुमसे. तुम इतनी बात कर रही हो जोरू का गुलाम ये वो सब मजाक कर लिया तुमने. मेरी काफी तुमने हंसी भी उड़वा ली. मेरी मदर इन लॉ को मेरे साथ बिठवा के उनसे भी पूछ लिया. मुझे ये बताओ कि तुम्हारा जो तुम्हारे हस्बैंड से रिलेशनशिप है वो कैसा है? ये शो की होस्ट मैं हूँ और गेस्ट तुम हो तो क्वेश्चन आई विल आस्क. मैं पब्लिक से पूछता हूँ कि फारा बाहर से कैसी लगती है? टफ लगती है, गुस्से वाली लगती है, स्ट्रिक्ट लगती है? राइट. असल में शरीफ जो इनके हस्बैंड हैं वो इससे साइज में आधे हैं और एकदम स्वीट लुकिंग है, क्यूट सा है. तो हम जब शुरुआत में उससे मिले तो हमें लगा कि ये जो है बेचारा बड़ा ही डरपोक सा होगा, फारा से डरेगा. और एक बार हम ऐसा गेम खेल रहे थे और उसने सडनली बोला फारा उठो, तो वो उठ गई. हमने कहा फारा चारों तरफ घूमो, तो वैसा घूमो. फिर उसने कहा फारा बैठ जाओ, और फारा बैठी और फारा ने ऐसा मुंह करा कि शिरीष को देखे नजरें नीचे रखो. एंड आई स्वेयर मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मुझे इतना बुरा लगा क्योंकि फारा को मैं इतने सालों से जानता हूं, इतनी टफ है. लेकिन इसकी जो घर में दुर्दशा शिरीष करते वो देखकर मुझे बहुत दुख हुआ. और मैंने जाके अपनी धर्मपत्नी से, अपने दोस्तों से, सबसे कहा कि हाँ नहीं, वो तो खैर नहीं बोला, इतनी तो हिम्मत नहीं मेरी. बट जेन्युइनली फारा एक्चुअली अपने पति की गुलाम है और हर बात उसकी सुनती है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुझे ये भी मालूम है, उसने कहा कि मैं बार बार बच्चे नहीं करूंगा, एक ही बार में तीन कर लो. तो वो भी कर दिया. तो ज्यादा मेरा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है. अभी हम आते हैं हमारे उस सेक्शन पे जिसका नाम है मैं हूं ना जी. सो लेट मी विदाउट मच अडू कॉल सुषमा एंड पंकज बटकर. मेरी शादी को 12 साल हो चुके हैं और मैं अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ बॉम्बे में रहती हूं. घर की बात को लेके कहा जाए, बच्चों की बात को लेके कहा जाए, यहाँ की मेन मिनिस्टर में ही जब शादी हुई तो एकदम डिफरेंट चेंज हो गया. पहले जैसे मैच चालू हो गए तो एक मैच के पे चिपके रहो, अभी तो मैच देखने तो परमिशन लेने में मैच देखनी है कि नहीं वो थोड़े देर. शादी के पहले भी वो हमेशा हर बात मुझसे बता के करते थे और अब तो ऐसा हो चुका है कि फर्स्ट वो मुझे बताते करूँ कि नहीं करूँ. कॉम्प्रोमाइज हुआ है बट दैट कॉम्प्रोमाइज के लिए जो चीज मिली है ना दैट इज फार टू बिग. वो बहुत स्वीट, अच्छे, प्यारे जोरू के गुलाम है. जोरू को गुलाम बनने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं बन के रहूंगा, ऐसा कोई इश्यू नहीं. तुम ऐसे बैठे हो जैसे कभी भी सुषमा बोलेगी जाओ पानी लाओ और तुम भाग के जाओगे. ये पोजीशन में बैठा रहता हूँ ऐसे पूरी जिंदगी. ये पोजीशन में बैठो. डेफिनेटली आराम से बैठो पंकज. प्लीज रिलैक्स. सुषमा कैन यू रिलैक्स? या 100%. तो पंकज ये सुना है हमने शाहरुख के ही बोलते हैं बैठो या ही कैन आराम से बैठो. हाँ ही कैन आराम से बैठो ऐसा मैंने सुना अभी. बट इज इट ट्रू के पंकज को हर बार आपकी परमिशन लेनी पड़ती है कुछ भी करने से पहले? नहीं हर बार तो नहीं बट 80% 80% पंकज बोलो बोलो 80% मतलब हो गया पूरा चीज. हाँ 20% हाँ ब्रश ब्रश करने के लिए टाइम होता है, सोने का ब्रश करने को उस वक्त थोड़ा परमिशन लेनी पड़ती है कि दांत धो लो डार्लिंग. किस किस चीजों में पंकज तुम सुषमा की परमिशन लेते हो?
सुबह से ही शुरुआत होती है, सुबह से लेट से उठने की आदत है, तो मैं बोलती हूँ चलो उठो, टाइम हो गया, चलो उठ जाओ, अपना वर्कआउट करने का टाइम है, मतलब बेसिकली टाइम बोल देती थी पंकज, नाउ 3 2 1 गो स्टार्ट, 3 2 1 गो स्टार्ट, यस. मेरा प्रॉब्लम उल्टा भागने लगूंगा ना, 1 2 3 से मैं आगे भागता हूँ, 3 2 1 से मैं उल्टा भागता हूँ. नहीं, मेरे घर में काउंटडाउन ऐसे चलती है, उल्टा जैसी आप चाहें. 3 2 1 नाउ यू आर सपोज टू गो गेट अप. तो पंकज पॉकेट मनी, मतलब पॉकेट मनी नहीं, जो तनख्वाह तुम कमाते हो सब सुषमा को देते हो? डेफिनेटली, जैसे 1 तारीख हो जाती है तो सुषमा उसमें से आप इनको पैसे देती हो? ऐसी नौबत आती नहीं है. पंकज पहली बात बहुत कॉन्फिडेंट है मेरे बारे में कि सुषमा को मैं जो जितना देता हूँ वो सही ढंग से सही जगह पे खर्चा करती, इसलिए ही वो देता है. वॉच दी थी, कुछ शॉपिंग करके फ्री में लगी थी इनको, मुझे गिफ्ट कर दी थी आके. वो सेम गौरी भी तो वही करती है शाहरुख. हाँ, मेरा रिलेशनशिप भी ऐसे ही चीप है. क्योंकि देखिए, एक तो इनका नेचर ऐसा है ना कि कुछ भी खरीदने जाओ तुम्हें पसंद आ रहा है ठीक है तब तो ले लेता हूँ, हाँ ये ठीक है. तुम चाहती हो कि पंकज थोड़ा डोमिनेटिंग हो ऐसा? एक्चुअली ये इस चीज में इतना घुस कर करके, डोमिनेट कर करके मैं इतना घर में रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन गई हूँ कि आज हर एक चीज में कहीं आना जाना हो, बच्चों के एडमिशन हो रही है, गेस्ट आने वाले हैं, सब कुछ मुझसे पूछा जा रहा है. और कोई भी गड़बड़ हो तो आप रिस्पॉन्सिबल. अब मुझे ऐसा लगता है ना कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे नहीं लेना. शाहरुख, आई थिंक दिस इज अ गुड वे, जो आधे मर्द आई थिंक दे प्रिटेंड ताकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीवी ले. हाँ, मैंने तो पहले बोला यार, ये इनडायरेक्टली एक्चुअली हम अपनी बीवियों से ज्यादा काम करवा रहे हैं. हाँ, ये मैं भी बोलो किसी बात से, ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ. तो पंकज, आपका जो ये करंट लुक है उसमें सुषमा का कितना बड़ा हाथ है? मुच्छी रखने का डिसीजन किसका था? सॉरी, मुच्छी रखने का, वो तो मेरा डिसीजन. आई वॉन्ट टू नो दिस ऑल्सो की आपको मूछो में क्या अच्छा लगता है? के मुताबिक एक मूछे, जैसे बोलते हैं ना, एक आदमी के स्मार्टनेस में और ज्यादा मूछे हो तो नथुराम जैसे. नहीं, नथुराम की मूछे भी अच्छी नहीं. अच्छा, नहीं, नहीं, पंकज की मूछे सबसे बेस्ट मूछे. पंकज की मूछे सबसे बेस्ट मूछे. एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आपको पंकज बोले कि आप अपने बाल छोटे कटा लो तो आप पंकज के लिए ऐसा कुछ करेंगे? ऑब्वियसली आई डू दैट. यू विल डू इट? या 100%. डू यू टेल हर हाउ टू ड्रेस अप? डेफिनेटली, शी टेक्स. लेकिन वो मानती नहीं है. मानती नहीं है. हाउ वुड यू लाइक टू ड्रेस अप? अच्छा, देखिए, आज शो पे आना था. हाँ, ये आ रहे थे जीन्स और टी शर्ट में. तो क्या हो गया शाहरुख भी? तो नहीं, ठीक है, ठीक है. मेरी तो मुझे भी नहीं है, मैं जीन्स में भी आया, टी शर्ट में भी आया. तो मैं साड़ी में, तो मैंने कहा प्रॉपर शर्ट पैंट तो पहन किया. तो बट ऑब्वियसली आपने साड़ी चेंज नहीं की, आपने खुद कपड़े चेंज करे. हाँ, क्योंकि मैंने तो अपना डिसाइड कर रखा था ना कि मुझे क्या पहनना है. शाहरुख, आई थिंक जोरू का गुलाम अवार्ड तुमसे लेके मुझे इनको देना चाहिए, बिकॉज ही डिजर्व्स इट मोर फॉर श्योर. अब वक्त है एक न्यूट्रोजेना डीप क्लीन ब्रेक का. वेलकम बैक टू न्यूट्रोजेना प्रेजेंट्स तेरे मेरे बीच में. पंकज रोमांटिक है? वेरी मच. मैं एक गाना प्ले करती हूँ, रोमांटिक गाना, और उस पे आप आओ ऐसे टर्न मारते हुए और जरा सुषमा को वू करके बताओ. नहीं, आप नहीं कर सकते, तो सुषमा आपको बताएगी कैसा करना. सुषमा आप करके दिखा. हाँ. तो यू शो पंकज हाउ वुड यू डू अ रोमांटिक सॉन्ग विद सुषमा. सॉन्ग छोड़ पहले तो हाथ पकड़ो उनका. एक हाथ यहाँ दो मुझको, ऐसा घुमाओ, ऐसा पकड़ो, उनकी तरफ देखो. यहाँ देखो कि यहाँ वो तो रोज दिखता है, इधर शाहरुख खान है. पहले वो कहो कि मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो, और कहो कि जब मैं तुम्हें छूता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होता. ओके, आई हैव टू से दैट. फिर कौन बोलेगा? मैं बोल रहा हूँ ना, तुम आगे बोलो. सुषमा थोड़ा बोलेगी. तुम जॉरिस को उल्टा भी बोल सकते हो. ओके, मुझे बहुत कुछ होता है. अच्छा, चेंज करते रहो. ओके, जब मैं अकेला होता हूँ मुझे बहुत दुख होता है कि तुम मेरे करीब नहीं हो. लेकिन बहुत खुशी होती है कि साले अब टीवी देख सकता हूँ आराम से. फॉलो करो ऐसा. ये तेरी
आपका फेवरेट स्टेप क्या है, कौन सा स्टेप है डांसिंग स्टेप? कुछ तो होगा जब आप लोग डांस साथ में करते होंगे। डांस किया है कि बहुत सालों के बाद आज पहली बार डांस किया? डेफिनेटली मैं डांस करवाती हूँ, डांस करती हूँ। तुम इनको अपने इशारों पे नचाती? नेवर। अभी तो यही डिसाइड हुआ कि तुम करती हो, जो कहती हो वो करते हैं वो? नहीं, वो मैं जो कहती हूँ वो जरूर करते हैं, मैं इशारों पे नहीं कभी नचाती। इशारों पे नहीं, शी सेज इट डायरेक्टली ना, 3, 2, 1 करो करो करो। बट सी एज लॉन्ग एज यू हैप्पी, आप लोगों का एडजस्टमेंट अच्छा है, दोनों खुश हो। तुमने एक बार वो डेफिनेटली बोला तो मैं तुम्हारी मुछे काट दूंगा। हर बात जो इसके बीवी की बात करो डेफिनेटली, तुम ऐसा करोगे डेफिनेटली। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, ये तुम्हारी बीवी है, ये जब बोले उसको डेफिनेटली बोलो। सुषमा, हॉलीडेज हु डिसाइड्स? आई डिसाइड। यू डिसाइड द हॉलीडेज? बच्चों के नाम किसने रखे? ऑब्वियसली शी। अच्छा, आपने इस रिलेशनशिप और जिंदगी में कुछ किया है? पंकज कहीं भी हॉलीडे पे अपने दिल से नहीं गया है, ही ओनली फॉलो सुषमा। तो हम उन्हें एक हॉलीडे पैकेज देने वाले हैं और ये सिर्फ पंकज डिसाइड करेगा कि वो हॉलीडे पे वो कहाँ जाना चाहता है और किसके साथ। और किसके साथ? Because we are not giving you a hamper, we will give you a check of 1 lakh rupees. No, thank you. For your charity of your choice. तो आप कौन सी चैरिटी को ये पैसे देना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। नॉर्मली मैं चैरिटी की ज्यादा चर्चा नहीं करता हूँ। नहीं, आई नो, मैं ये बता दूँ कि शाहरुख बहुत सारी चैरिटी सपोर्ट करते हैं जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं है, एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू डू चैरिटी। लेकिन कोई भी उनमें से आप कोई भी चैरिटी अगर नानावती अस्पताल डॉक्टर अली की तरफ में ये तो शाहरुख चैरिटी इज टुवर्ड्स नानावती हॉस्पिटल। बट शाहरुख, ये चैरिटी यहाँ ही खत्म नहीं होती। हम चाहेंगे कि आप अपना एक पर्सनल आइटम हमें दीजिए जिसे हम शो के खत्म होते, मतलब जब सीजन खत्म हो जाएगा, हम उसे ऑक्शन करेंगे एंड देन वी विल यूज दैट मनी अगेन फॉर चैरिटी। मेरी फिल्म बिल्लू थी जिसमें मैंने वो स्नैजी जैकेट स्टार्टेड, देयर वाज अ फेवरेट जैकेट, एक ब्लैक जैकेट था, उस पे सिल्वर स्टार्ट है। बहुत सिंपल है लेकिन मुझे लगता है कोई अगर पहन के पार्टी में जाएगा तो आई थिंक इट विल बी फैंटास्टिक, क्योंकि आई एम श्योर आपके लाखों करोड़ों फैंस उसके लिए ऑक्शन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फारा, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ पर बुलाया। और मैं यही सबके लिए दुआ करूंगा, सारे कपल्स के लिए, सब रिलेशनशिप्स के लिए, कि खुश रहें, आबाद रहें। एंड आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड गॉड ब्लेस यू। शाहरुख, हमारी शो की एक परंपरा है कि शो छोड़ने से पहले हर मेहमान मेरे साथ एक ठुमका लगाता है, ओके, विच इज कॉल्ड स्टेप ऑफ द वीक। तो चलो वो स्टेप्स के पास। पता था कि ये गौरी के भाई हैं? हाँ, इसलिए मैंने सिर्फ 5 गोल के, वरना 20 गोल मारता था। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा डबल रोल हूँ, डबल रोल जारा खान। मैंने कुछ जुगाड़ कर पता लगाया कि काफी कुछ फुटेज है जो तुमने हमसे छुपा कर रखा है। मैं और मेरी माँ, तुम और मेरी माँ। मैं और मेरी माँ। तो शी वॉज मतलब द मम्मी ऑफ कोर्स करीना, डैड करीना, नहीं नहीं आपकी मम्मी। अच्छा, द मेन सपोर्ट जो होता है घर से आता है। आई थिंक नॉट करीना,
पति के जगह पति के चरणों में होती है। होती है। अरे पत्नी की जगह पत्नी के चरणों में। ऐसी लाइन है, हम आजकल की लेडीज बोलती नहीं है इसलिए प्रॉब्लम होती है। अरे ये तो शुरुआत थी, स्टार्टर्स, मेन कोर्स तो अब होगा।